हेलो। चलो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड कर दिया था अभी, मेरे को दोबारा सफर जाती पड़ेगा आपको। रिकॉर्डिंग ही इंटरप्ट हो गई। अच्छा बोरत हो गए काफी मिलने। चलो उससे पहले मैं कुछ बता दूं। मैंने आपको एक तरीका बताया कि लर्न कैसे करते हैं ना। आपका तरीका हो सकता है, मैंने बताया मेरा भी तरीका होता है, मेरा भी कोई तरीका नहीं, साइंटिफिक तरीका ही है। और इफेक्ट नहीं फॉलो करते भाई, नहीं फॉलो करते भाई, नहीं फॉलो करता हूँ। तो आप अपना तरीका फॉलो करते हो बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ कहूँगा नहीं इसके ऊपर, एक बार सर को ट्राई करके देखना। अगर ये आपको आपको तरीके से इफेक्टिव लगे तो अदरवाइज मत करना। पर जहाँ तक मेरा मानना है कि ये वाला तरीका काफ़ी इफेक्टिव ही है, लॉन्ग टाइम तक तो याद रहता है इससे। तो क्या तरीका इसका, तो मैं 3 फेज बनाए हैं कि कम से कम आप फेवर ज़्यादा नहीं 3 बार रिविजन तो करोगे करोगे। फिर एक बार नहीं कम से कम, फिर एक बार नहीं कम से कम 3 बार, कम से कम बोल रहा हूँ। मिनिमम मिनिमम रिएक्शन तो आप 10 बार कर लो, 10,000 टाइम्स कर लो, 100 में से 100 ही आएंगे, कोई रुकने नहीं वाला है ना। आपके बेस्ट से अच्छे नंबर आते हैं। 3 टाइम कह रहा हूँ मिनिमम, 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 3 टाइम्स अगर रिविजन करो कैसे करोगे। तो सबसे पहले और जब आप रिविजन करने बैठते हो तो आपको रीडिंग करनी है। सबसे पहले तो रीड करो, जैसे आपको याद करनी पड़े उसको पहले रीड तो कर लो, समझ तो लो उसको, उसमें लिखा क्या है। उसके बाद आप बोलो उसको एक सी को फंस सकते हो, उसको एक सी को फंस सकते हो, उसको एक सी को 5 बार बोल के करो, एक सी को 10 बार बोल के करो, या फिर उसको लिख लिख कर करो। ये लर्न करने का तरीका आपको कुछ कुछ भी हो सकता है, ये आपका तरीका है। यहाँ पे आपको मन फ्रीज हो जाएगा एक ही टॉपिक के ऊपर, ठीक है। कैजुअल छोड़ के रिलैक्स छोड़ के रीड करो, ठीक है। अब जो आपने लर्न किया है उसको आंख बंद करके, वो क्लोज करके कुछ भी नहीं, रिकॉल करना है। रिकॉल ये मैं सोचा सर लर्न होता गया, नहीं लर्न होने का दम आपको अपने आपको टैग नहीं हुआ तो सिर्फ अपने आप को रिकॉल करो। सर रिकॉल भी हो सकता है आप ओरली अपने आपको रिकॉल करो, ओरली आप अपने आपको सुनाओ, या फिर हो सकता है आप लिख कर रिकॉल करो। आपने जो याद करा आप उसको लिख कर देखो कि मेरे को आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तब अपने टेस्ट करो, ठीक है। तब अपने टेस्ट करो सर। टेस्ट करते टाइम आप पूरा नहीं हुआ 6 सेकंड, पूरा नहीं हुआ 6 सेकंड, कुछ ना कुछ कमी पेशी रह गई, कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट के स्कोप है। सब इसको रिकॉल करने में रीड करो, तो इसको रिकॉल करने में दोबारा से रीड करो क्या क्या कहाँ कहाँ आपकी कमी देख नहीं हो पाई थी, आपको याद नहीं हो पाई थी। बस आप किताब बंद कर दो, तो दोबारा से रिकॉल करना है नहीं, अब कुछ नहीं करना। बस एक ही बार रिकॉल करने की कोशिश करनी है, एक बार में याद हो जाए पूरा वेल, नहीं हो तो अभी वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक ही चीज़ को लेकर ज़्यादा प्रेशर में नहीं आना है, ठीक है। फिर जब सेकंड डे या सेकंड टाइम जब भी रिविजन करने बैठो, ठीक है, दोबारा से रीड तो करो उसको, भूल चुके अब काफी टाइम हो चुका, तो रीड करके रिवाइज करो। इसको बोलते रिवाइज, रिवाइज में रिकॉल में बहुत फर्क है। रिवाइज में तो हम इतनी एफिशिएंसी नहीं आती, इतनी रिकॉलिंग में एफिशिएंसी आती है। रिकॉल इज बेटर ऑप्शन देन रिवाइजिंग, ठीक है। अब यहाँ पर रिवाइज करो यानी री रीड करो, उसको दोबारा से रीड करो, ठीक है। अब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, लर्न तो हमने पहले कर लिया था, दोबारा से रीड करने की जरूरत है नहीं आपको। अब दोबारा से रिकॉल करो जो आपने अभी रीड किया ना, अब दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करो। आपको रिकॉल हो रहा है परफेक्ट, नहीं हो रहा है दोबारा से इसको रीड करो, दोबारा से होता करो रीड करो, फिर रीड करके फिर छोड़ दो। फिर नेक्स्ट टाइम जब रीजन करने बैठो आपको रिवाइज भी नहीं करना है, आपको रिवाइज भी नहीं करना है। आखिर अगर रिवाइज करते रहोगे बार बार तो बार बार रीजन की ही आदत आ जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है ना। मत करो सीधा रीडिंग मत करो, सीधा रिकॉल करो। रिकॉल आ जाए, रिकॉल हो जाए अच्छी बात है, नहीं तब जाके रीड करो, रिकॉलिंग से पहले नहीं रिकॉलिंग के बाद। बस आप आपको हो जाए, बस आपको हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करो, रिकॉर्डिंग हो रही है। डर लगता है मेरे को तो कभी कभी, अब मेरा पढ़ाने का बिल्कुल ही मन नहीं करेगा, इतना बोरियत होगा मेरे को। हाँ
टाइम भी खराब होता है, सुबह सुबह का टाइम भी कम होता है, टाइम ही नहीं अच्छा मेरे पास, मैं क्या पढ़ाऊँ, पूरा भी नहीं पढ़ा पाऊँगा, तो नहीं पढ़ाया है। दो तीन तो पढ़ाई दूँ, थर्ड तक पढ़ाने कोशिश करता हूँ, थर्ड तक तो होते हैं, फोर्थ वाला बड़ा है। बुल्ले किंगडम याद है, बुल्ले किंगडम याद है, बुल्ले किंगडम याद है, उसको प्रोटिस्टा बोलूँगा या फिर, और एग्जैक्टली आपको उसको बोलना है और अच्छा नाम इसका लेना है, तो भाई प्रोटोक प्रोटोक्टिस्टा प्रोटोक्टिस्टा प्रोटोकोटिस्टा, ठीक है। ये यूकारियोटिक होते हैं और मोस्टली मल्टी सेलर होते हैं, मोस्टली वो यूनि सेलर। वो देखा मोस्टली, सर सारे नहीं होते, वो कह रहे सारे यूनि सेलर नहीं होते, मोस्टली यानी सर कुछ मल्टी सेलर भी होते होंगे। हाँ तो आपको 3 पॉइंट सही इसमें मिल गए। पहला पॉइंट यूकारियोटिक होते हैं, यूनि सेलर और मल्टी सेलर दोनों होते हैं, दो और तीन, 3 पॉइंट आपको ऐसे मिल गए, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग की है, ठीक है। पहला पॉइंट किस यूनि सेलर को होते हैं, यूनि सेलर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो यूना न्यूक्लियस है, लेकिन इतना न्यूक्लियस है, लेकिन इतना न्यूक्लियस होता है, अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। फिर एक बताने वाले इसको पॉइंट 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 को हटा देना, नहीं तो मैंने नीचे लिखवाए हैं, यहाँ से पॉइंटिंग कर लेना जो मैंने भी लिखवाई है। फिर कहीं हेटरोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक के अंदर उन्होंने दो ऑप्शन आ दिए, हेटरोट्रॉफिक होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेटरोट्रॉफिक होते हैं, है ना। तो बनाते हैं खाना खुद से बनाते हैं, खाना खुद से बनाते हैं, खाना खुद से बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो अपना खाना ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल सब लिख ही देना। ये 4th पॉइंट है उनके स्ट्रक्चर के ऊपर, की होते कैसे हैं, होते हैं। पहला पॉइंट दूसरा यूकार्योटिक, थर्ड सर कुछ गंदा एक्रोडोफेलस और सेप्रोफाइटिक, ये क्या होते हैं बताता हूँ, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी आपको 3 पॉइंट मिल गए आपको। पहला मल्टी सेलर, पहला मल्टी सेलर होता है सर, मल्टी सेलर को डिस्क्राइब करके आना है, हाँ। तो यूकारियोटिक फिर उसको डिस्क्राइब करके आना है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको पेपर में लिख के आना है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन वाली लाइन लिख के आनी है। तीसरा ये एग्लोफिलस और सेप्रोफाइटिक के ऊपर ही, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक मतलब क्या, कोई हाइफी होता है इनके अंदर, सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ये ऐसा। और 4th पॉइंट एक नया है इसमें कि दे आर मेनी न्यूक्लई डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंटीन्यूअस साइटोप्लाज्म, यहाँ पे कंटिन्यूसली साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट होगा, 5th पॉइंट आपको एग्जाम्पल लिख देना, 5th पॉइंट आपने एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। अभी मैं स्पीड में इतनी कराता हूँ, ठीक है, अब काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया।